हेलो दोस्तों, दिल्ली से चंबा, चंबा से खज्जर और खज्जर से छोटा सा एक हिल को ट्रैक करने के बाद और पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम लोग जा रहे हैं जोधदर्रा, जो खज्जर से करीब 17 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और लोगों से मैंने सुना है ये जोत बहुत ही खतरनाक वैली है, यहाँ पे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल होता है और यहाँ के रोड बहुत ही छोटे होते हैं। जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ यहाँ के रोड में, कहीं कहीं रोडों पे नीचे पानी का फ्लो होता है, ऊपर से झरना गिरता है और ये काफ़ी डेंजरस एरिया माना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड भी सही नहीं है, कहीं कहीं तो यहाँ पे सीमेंट रोड भी नहीं है, पिच का रोड भी नहीं है, यहाँ पे रोड पे पानी आता रहता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला एरिया है, बट फिर भी हम लोग, इसलिए मैं अपनी गाड़ी भी नहीं लेके आया आया तो हम लोग कैब से जा रहे हैं। आप अभी रास्ते का एंजॉय लीजिए, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम जोत दर्रा के करीब जा रहे हैं, यहाँ पे हमें मुझे थोड़ा थोड़ा आइस दिख रहा है। मैं भी आइस में कभी नहीं गया था, मैंने आइस कभी नहीं देखा। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे आइस पूरा होता ही नहीं है, इस बार शायद मुझे आइस मिलेगा तो मुझे दूर से दिख रहा है। और ये जोत दर्रा के की हाइट 2880 मीटर है और लोग यहाँ बोलते हैं जो जिनको चंबा आना है तो ये जब तक आप जोत दर्रा नहीं देखेंगे आपको चंबा मज़ा नहीं आएगा, तो मेन पॉइंट एक माना जाता है। अभी हम जाके देखते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट है क्या नहीं है, कैसा इसका व्यू है। दोस्तों, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये हिमाचल टूरिज्म के का एक बोर्ड लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था इसकी हाइट 2880 है, बट यहाँ तो हाइट 8600 फीट लिखा हुआ है। हाँ, वो मीटर में होगा। दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ, बाय चांस यहाँ पे पहुँचते ही ये स्नोफॉल, तो इसको नहीं बोल सकते हैं, ओले पड़ रहे हैं और बारिश ही हो रही है, इसलिए मैं अभी वो ऊपर आप पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे जाना होता है तो हम वहाँ पे अभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुझे ठंड अच्छा लगता है तो मैं वेट नहीं करूँगा, मैं इस बारिश को मैं ही ऊपर जाकर आपको व्यू पॉइंट दिखाऊँगा, तो क्योंकि स्नोफॉल में व्यू पॉइंट देखने का ही मज़ा कुछ और होता है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि मैं चलता हूँ ऊपर, अभी मैं वेट नहीं कर सकता। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। दोस्तों, जब भी आप चंबा आओ तो ये दर्रा ज़रूर आप देखना। मैं ऊपर जाने की कोशिश, मैं जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, मेरी सांस फूलने लगी है इतने ही दूर आने में, जबकि मैं इससे मॉर्निंग में इससे ज़्यादा ट्रैक कर लिया था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हाइट पे, जहाँ पे हम ट्रैक किए तो उससे काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, तो सांस फूल रही है। अभी धीरे धीरे मैं ऊपर जा रहा हूँ, स्नोफॉल भी ज़्यादा हो रहा। ओ, ये देखिए, आप नज़ारा देख सकते हैं, छोटे छोटे ओले पड़े। ओ, यहाँ पे ऑलरेडी एक कपल्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही हैं, मैं जाकर उनको ज्वाइन करता हूँ। और मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे एक छोटा सा टेंट बना हुआ है,
चलो मैं अभी बारिश में गीला नहीं होऊंगा। और ये खूबसूरत नज़ारा दोस्तों मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर आइए चंबा घूमने के लिए। और ये देखिए नीचे एक खाई है, जो मैं आपको खाई दिखा सकता हूँ। ये नीचे एक खाई है, धुंध बहुत है, कोहरा है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जब ये बारिश रहेगी फिर भी टाइम भी मैं ऊपर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा यहाँ का व्यू। बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुंदर जगह है। जब भी आप चंबा हो यहाँ पे ज़रूर 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 आना। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। अभी ओले थोड़े बहुत कम गिर रहे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ठंड बहुत लग रही है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, जब थोड़े ओले कम पड़ेंगे तो मैं एक बार ऊपर ज़रूर आऊँगा, फिर मैं आपको नज़ारा दिखाऊँगा। दोस्तों इसके बाद मुझे पता चला है एक बहुत सुंदर विलेज का, लेकिन उसके लिए मुझे 11 किलोमीटर का फिर से ट्रैक करना पड़ेगा। मुझे सोच के, हालांकि मेरा वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो से बने रहें, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 बहुत सुंदर जगह मैं दिखाने वाला हूँ, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा, आप ज़रूर देखिएगा। जब तक आप यहाँ का एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।